बात करने जा रहे हैं इरिगेशन की। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको रैपिडली एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, आप डेफिशिएंट एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, मतलब आपके यहाँ पर जो है खेती बाड़ी अभी उस वे में नहीं हो रही, उसकी आपूर्ति नहीं होती है, एकदम से आपको सेल्फ सफिशियंट बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, तो उसके लिए आपको कुछ इनपुट्स का यूज़ करना होगा। जिन इनपुट्स में इरीगेशन आता है, यानी कि वाटर सप्लाई, उसके बाद हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आते हैं, उसके बाद केमिकल फर्टिलाइजर्स आते हैं, उसके बाद पेस्टिसाइड्स आते हैं, उसके बाद सॉइल मैनेजमेंट सॉइल कंजर्वेशन आता है, उसके बाद ये जितने भी इक्विपमेंट्स हम खेतों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैकेनाइजेशन आता है, तो मशीन्स सॉइल कंजर्वेशन सॉइल कंट्रोल सॉइल रिक्लेमेशन, उसके बाद पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स सीड्स इरीगेशन, इन सब को अगर प्रॉपर वे में हम यूज़ करें, इन सब को अगर प्रॉपर वे में अप्लाई करें, तो हमें एक अच्छा ट्रांसफॉर्म्ड एग्रीकल्चर मिल सकता है। इन सभी में से सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है इरीगेशन को, पानी को। पानी सबसे महत्वपूर्ण होता है। ऐसा कहा जाता है कि एक एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसमें अगर हम आज की डेट में हमारे वाटर सप्लाई प्रॉपर वे में यूज़ करना शुरू कर दें, तो हमारे देश में जो 200 या 250 मिलियन टन के अराउंड में प्रोडक्शन है, वो 400 मिलियन टन तक रीच हो सकती है, बाकी के इनपुट्स को छेड़े बिना, सिर्फ इरीगेशन को प्रॉपर वे में यूज़ किए बिना। तो इरीगेशन की अपने आप में एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, इरीगेशन के बारे में इसमें ये बताया गया है, बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट कुछ कुछ इसमें टर्म्स आएंगी। ठीक है, नेट इरीगेटेड एरिया आएगा, ग्रॉस इरीगेटेड एरिया आएगा, टोटल क्रॉप एरिया आएगा, ठीक है, ग्रॉस इरीगेटेड एरिया, ओवर सोन एरिया, ऐसे करके कुछ टर्म्स आएंगी आपको। मैं इस सारे पार्ट के ना बहुत सारी फिगर्स दी हुई हैं, बहुत सारे फैक्ट्स बताए हुए हैं, आपने उन पर नहीं जाना, आपको इस सारे पार्ट की मैं कुछ मेन मेन बातें निकाल करके बता दूंगा, क्वेश्चन वही आएंगे, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, और आप जब कल को अपना सब्जेक्टिव आंसर भी लिखने जाओगे, उसमें भी वही चीज़ें आपने डाल दी, उसके बाहर की चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। इरीगेशन की अगर हम बात करें, तो इसमें ये बताया गया है कि इरीगेशन सबसे ज़रूरी चीज़ है खेती बाड़ी के लिए। जिन एरियाज़ में तो इरीगेशन जिन एरियाज़ में रेनफॉल बहुत ज़्यादा है और पूरा साल डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है होल ईयर, ठीक है, देखो रेनफॉल की दो कंडीशंस होती हैं, एक तो रेनफॉल सफिशिएंट होना चाहिए, एक रेनफॉल ओवर द पीरियड होना चाहिए, ओवर द लॉन्ग पीरियड होना चाहिए, यानी कि जरूरी। देखो एक चीज़ क्या होती है कि एक सिटी है, एक स्टेट है, तो वहाँ पर ऑलमोस्ट 1000 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है, लेकिन वो साल में 4 ही महीनों में होता है, बाकी रेस्ट ऑफ द 8 मंथ्स जो है वो सूखे गुजर जाते हैं। एक सिटी है, उसमें 800 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है, लेकिन वो होल ईयर में होता है, सिर्फ 4 महीनों में नहीं होता। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो 800 सेंटीमीटर रेनफॉल इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन 1000 सेंटीमीटर रेनफॉल। तो मेन थिंग इज कि इन्होंने कहा है कि जो एरियाज में रेनफॉल प्लेंटीफुल है, यानी कि ज़्यादा है, प्रॉपर है, और ओवर द ईयर डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो एरियाज को इरीगेशन की उतनी ज़रूरत नहीं है, और वो एरियाज में खेती बाड़ी बहुत अच्छे से हो सकती है और होती है। लेकिन जिन एरियाज में रेनफॉल कम है, पहली बात, और अनसर्टेन है, वो एरियाज में इरीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंचाई बहुत ज़रूरी है, बिना सिंचाई के बिना इरीगेशन के वहाँ पर एग्रीकल्चर करना टोटली इम्पॉसिबल है, क्योंकि एग्रीकल्चर हो ही नहीं सकता। उसमें भी उन्होंने एक चीज़ समझाई है कि जिन एरियाज में रेनफॉल है, प्रॉपर है, लेकिन कुछ मंथ्स तक कंसंट्रेटेड है, उन एरियाज में अगर हम इरीगेशन सप्लाई कर दें, तो हम 2 या 2 से ज़्यादा फसलें एक बार में कर सकते हैं। तो बेसिकली मेन बात इसमें यही समझाई गई है कि होता क्या है कि जो रेनफॉल है, रेनफॉल अगर प्लेंटीफुल भी है और ओवर द ईयर भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो रेनफॉल के बेसिस पे क्या होता है कि हम मोस्टली मोनोकल्चर क्रॉपिंग पैटर्न को अपना सकते हैं, मतलब हम साल में एक ही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अगर इरीगेशन फैसिलिटी है हमारे पास, तो हम हमारे देश में प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन को बहुत हाई लेवल पर बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्यों हम 2 से 3 फसलें एक खेत में से निकाल सकते हैं। उसका रीज़न क्या है कि आज की डेट में डे बाई डे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन के इंक्रीमेंट की वजह से हमें उसी लेवल पर फूड ग्रेन प्रोडक्शन भी बढ़ाना होगा। लेकिन फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि हम ज़्यादा एरिया पर खेती बाड़ी करें। हमारी कंट्री में 2 चीज़ें साइमल्टेनियसली हो रही हैं, एक तरफ तो पॉपुलेशन डे बाई डे बढ़ रहा है, उसके साथ साथ अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ रहा है।
जिसकी वजह से हमें नए नए लैंड की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, अब लैंड एक्वायर कर रहे हैं। तो ये जो नए नए स्तर पर जमीनों का अधिग्रहण हो रहा है, ये कौन सा लैंड है? एग्रीकल्चर लैंड है। एग्रीकल्चर लैंड नॉन एग्रीकल्चर लैंड में घट रहा है। तो हमारे देश में एक चीज़ तो हो नहीं सकती कि हम टोटल एरिया अंडर कल्टिवेशन बढ़ाएं, यानी कि हम एग्रीकल्चर लैंड को एक्सपेंड करें, इनफैक्ट वो लैंड घट रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो सेकेंड ऑप्शन हमारे पास क्या बचती है पॉपुलेशन को फीड करने के लिए? सेकेंड ऑप्शन हमारे पास यही बचती है प्रोडक्शन को रेस करने की, कि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाएं। हम जो लैंड हमारे पास अभी है जहाँ पे कल्टिवेशन हो रही है, वहाँ से हम जितनी खेती पैदा कर पा रहे हैं, हम वहीं से दुगनी तिगनी खेती पैदा करें। अब उसमें एक हमारे सामने ऑब्स्ट्रक्शन ये आ रही है कि हमारे यहाँ पर जो एक पर्टिकुलर क्रॉप है उसकी यील्ड एक लिमिट तक आकर के रुक गई है। जैसे अगर धान है तो वो 40 क्विंटल तक आकर के रुक गया है या 45 क्विंटल तक आकर के रुक गया है। तो एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम उसकी यील्ड पर हेक्टेयर बढ़ा दें, 60, 70, 80, 90 क्विंटल तक कर दें जैसे बाकी देशों में। तो सेकेंड ऑप्शन हमारे पास इसमें ये बचता है कि हम ओवर द ईयर यील्ड जो है उसको रेज करें। तो इट मींस कि हम एक खेत में से 2 से 3 फसलें करें, एक तो धान हो जाएगा, एक गेहूं हो जाएगा और बीच में कोई एक छोटी क्रॉप हो जाएगी, लेग्यूम क्रॉप हो जाएगी। तो अगर हम टोटल मिलाएंगे तो यील्ड पर हेक्टेयर ज़्यादा हो जाएगी। ये पॉसिबिलिटी कैसे पॉसिबल हो पाएगी? अगर हमें रिक्वायर्ड अमाउंट में, रिक्वायर्ड टाइम पे, रिक्वायर्ड लोकेशन पे पानी की अवेलेबिलिटी हो जाए। और ये कैसे होगा? अगर हम इरीगेशन फैसिलिटीज़ को बढ़ा दें। तो इरीगेशन एकमात्र ऐसा जरिया है जिसके साथ हम बढ़ती हुई पॉपुलेशन को फीड करने का सिस्टम और मैकेनिज्म डेवलप कर सकते हैं विदाउट एक्सटेंडेड द एरिया अंडर कल्टिवेशन। सो दैट बिकॉज दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर द ग्रोइंग कंट्री लाइक इंडिया, बिकॉज इंडिया नीड्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑल्सो, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑल्सो एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ऑल्सो, दैट इज ब्रिजेस, रोड, रेलवे नेटवर्क, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स। वी नीड ऑल दीज बेसिक कम्युनिटीज फॉर द सस्टेनेंस ऑफ अर्बन लाइफ स्टाइल। सो लाइक प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर, सो मैनी थिंग्स। तो इन सारी चीज़ों को जगह देने के साथ साथ हमें एग्रीकल्चर भी बढ़ाना है। और एक ही जरिया बचता है कि हम पैदावार बढ़ाएं। पैदावार बढ़ाने का हमारे पास एक ही तरीका बचता है कि हम साल में 2 से 3 फसलें करें। हमारे डेट में, आज की डेट में एग्रीकल्चर का एक ही टारगेट है कि 2 से 3 फसलें करें, 2 और मल्टीपल क्रॉपिंग। और उसको करने का एक ही तरीका कि हमें इरीगेशन करें। तो बरसात पर निर्भर रह करके काम नहीं हो सकता। तो वही इसमें समझाने की कोशिश की गई है कि इरीगेशन का बहुत महत्व है। अगर देखा जाए तो शुरुआत में जब हमारी कंट्री में प्लानिंग डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुई थी, प्लानिंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ था, तो हमारे देश में 23 मिलियन हेक्टेयर ऑलमोस्ट इरीगेटेड था। लेकिन जैसे ही प्लानिंग पीरियड स्टार्ट हो गया 1951 के बाद, आज की डेट में हम देखें तो हमारे देश में ऑलमोस्ट 87 to 90 मिलियन हेक्टेयर्स, 90 मिलियन हेक्टेयर्स यानी 89 मिलियन हेक्टेयर्स अंडर इरीगेशन है। लेकिन हमारे देश में टोटल क्रॉप एरिया कितना है? अगर हम देखें तो लगभग टोटल क्रॉप एरिया 170 मिलियन हेक्टेयर के अराउंड है। ये डाटा बदलता रहता है साल दर साल, कभी घटता है कभी बढ़ता है। तो 160-70 मिलियन हेक्टेयर में सिर्फ 80-90 मिलियन हेक्टेयर ही इरीगेटेड है। तो मतलब इससे यही निकल करके आता है कि आज की डेट में भी ऑलमोस्ट 40-45% एरिया ही अंडर इरीगेशन है। 60-65% एरिया आज भी अन इरीगेटेड है, जैसे रेनफेड कहते हैं, जब रेनफेड कल्टिवेशन होता है। तो ग्रोथ हुई है, 23 मिलियन हेक्टेयर से हम 89 मिलियन हेक्टेयर तक आए हैं। उतनी ग्रोथ नहीं हुई जितनी होनी चाहिए, लेकिन हुई है। लेकिन फिर भी इतनी सी ग्रोथ के बदले ही इरीगेशन एरिया में ग्रोथ हमारी सिर्फ और सिर्फ 2.5 गुना हुई। लेकिन इन चीज़ों को देख करके देखा जाए तो इससे अगर हम देखें कि एग्रीकल्चर ग्रोथ कितनी हुई है, तो एग्रीकल्चर ग्रोथ हम 51 मिलियन टन से 250 मिलियन टन तक आ गए। तो इट मीन्स कि इरीगेशन मल्टीप्लायर रोल प्ले करता है, इरीगेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो उसी चीज़ को समझने की आज हम कोशिश करेंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग, सोर्सेज ऑफ इरीगेशन इन इंडिया। कुछ कुछ क्वेश्चंस निकलते जाएंगे, मैं आपको साथ के साथ बताते जाऊंगा, आप फिर उन चीज़ों पर ध्यान देना। सोर्सेज ऑफ इरीगेशन, इरीगेशन के क्या क्या सोर्सेज हैं हमारी कंट्री में बेसिकली, उसको समझने की कोशिश करो। देखो, देयर आर सो मेनी सोर्सेज। अगर हम देखें, सबसे पहले कनाल इरीगेशन होती है, नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। उसके बाद वेल एंड ट्यूबवेल, ठीक है, कुएं और कुओं में जो ट्यूब लगा दी जाती है, मशीन ट्यूबवेल इरीगेशन होता है। तीसरा टैंक इरीगेशन, जिसे रिजर्वायर इरीगेशन कहते हैं। और उसके बाद अदर सोर्सेज, और भी कई सारे तरीके हैं जिनके साथ सिंचाई की जाती है। शुरुआत में गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा जोर दिया कनाल इरीगेशन पे, कनाल इरीगेशन पे बहुत हाई लेवल पे फोकस किया। वो मैं समझा दूँ क्यों किया। कनाल इरीगेशन पे बहुत हाई लेवल पे फोकस किया गया, तो कनाल इरीगेशन के अंदर एरिया भी बढ़ा। यानी कि पहले जितने एरिया को कनाल के थ्रू इरीगेट किया जाता था, उससे ज़्यादा एरिया कनाल के थ्रू इरीगेटेड किया जाता। लेकिन
इसमें एक चीज आपको समझनी है कि एब्सोल्यूट टर्म्स में जो एरिया अंडर इरिगेशन थ्रू कनाल बढ़ा, मतलब कि नहरों के द्वारा सिंचाई करने किए जाने वाले प्रदेश जो हैं उनका क्षेत्र अब पहले के मुकाबले बढ़ा है, लेकिन उसमें अब एक चीज समझाता हूँ वो समझना। वेल एंड ट्यूबवेल इरिगेशन, ठीक है, वेल एंड ट्यूबवेल इरिगेशन जो है वो पहले बहुत कम था, ठीक है, लेकिन आज की डेट में 61% एरिया वेल एंड ट्यूबवेल से इरिगेटेड होता है एंड 26% एरिया कनाल से इरिगेटेड होता है। अब इसमें चेंज समझो, कनाल, टैंक एंड अदर सोर्सेज, ये तीनों, इन तीनों से पहले ज्यादा इरिगेशन होती थी, अब पहले के मुकाबले परसेंटेज वाइज कम इरिगेशन होती है। इसके बिल्कुल ओल्ड वेल एंड ट्यूबवेल, जैसे समझ लो 100% इरिगेशन हो रही है, तो पहले 40% इरिगेशन होती थी कनाल से, अब होती है सिर्फ और सिर्फ 26%। पहले 29% इरिगेशन होती थी वेल एंड ट्यूबवेल से, अब होती है 61%, ठीक है, और टैंक से मात्र 6-7%, अदर सोर्सेज से भी 6-7%, यानी कि वेल एंड ट्यूबवेल खा गए सबको। वेल एंड ट्यूबवेल इरिगेशन ने टैंक, कनाल एंड अदर सोर्सेज को खा के उनका एरिया एक्वायर कर लिया। तो क्वेश्चन ये पक्का आएगा कि इरिगेशन में सबसे ज्यादा इरिगेशन किस सोर्स से होती है, वेल एंड ट्यूबवेल। ये पक्का क्वेश्चन है, यूपीएससी का क्वेश्चन है और पंजाब का भी और हर एक पीसीएस का पक्का आता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें अक्सर। तो अगर आपको पूछा जाए तो एरिया अंडर इरिगेशन अदर सोर्सेज, कनाल के अंदर एरिया बढ़ा है, लेकिन सिंपल सी एक बात है स्ट्रेट लाइन में कि वेल एंड ट्यूबवेल की इरिगेशन, वेल एंड ट्यूबवेल के थ्रू इरिगेशन आज की डेट में ज्यादा होती है। पहले 29% थी, अब ऑलमोस्ट 60-61% एरिया वेल एंड ट्यूबवेल के थ्रू ही इरिगेट किया जाता है, ठीक है, यही इसमें समझाया गया है। आगे है, इसमें ये बताया गया है कि क्या होता है कि जो एक एक इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ठीक है, इरिगेशन प्रोजेक्ट है, जैसे आपने मोटर लगाई है, आपने ट्यूबवेल लगाया है, वो आपका इरिगेशन प्रोजेक्ट है, आपका प्राइवेट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। हम कहते हैं ना कि हमने अपने खेतों में सिंचाई का प्रबंध कर रखा है, पानी लोन का जुगाड़ हैगा कि नहीं हैगा, तो इसी कहते हैं मोटर लगाई हुई है। तो हमारा वो जो एरिया है वो कितने, हमारा वो जो इरिगेशन पंप है मतलब ट्यूबवेल, वो कितने एरिया को कमांड कर रहा है, यानी कि कितने एरिया तक वो पानी उससे पहुँच रहा है, कितने एरिया को उससे खेती हो रही है, उसको कहते हैं कल्चरेबल कमांड एरिया, यानी कल्चरेबल मतलब है कल्टीवेबल, ठीक है, खेती बाड़ी लायक इसके अधीन इलाका, कल्चरेबल कमांड एरिया। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे देश में तीन तरह के प्रोजेक्ट माने जाते हैं, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट, मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट एंड माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट। जो माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट होते हैं, जो छोटे वाले सिंचाई के प्रोजेक्ट जो होते हैं, उसके तहत कहा जाता है कि 2000 हेक्टेयर का कमांड एरिया होता है उसका CCA, कल्चरेबल कमांड एरिया। उसके बड़ा जो होता है मीडियम का, उसका 2000 से 8000-10000 तक, और उससे बड़ा जो मेजर है उसका अबाउट 10000, ठीक है, कल्चरेबल कमांड एरिया। इसके अकॉर्डिंग हम इसमें कुछ समझाने की कोशिश की गई है, मैं वो आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। ये टेबल दिया गया है और ये फैक्ट्स और फिगर्स को डिकोड किया गया है, मैं आपको इसको लेमैन की लैंग्वेज में समझा देता हूँ, आपके मतलब की बातें इसमें से टेबल में से, ठीक है। इसमें टर्म्स यूज की गई है नेट इरिगेटेड एरिया, ग्रॉस इरिगेटेड एरिया। पहले मैं आपको नेट इरिगेटेड एरिया, ग्रॉस इरिगेटेड एरिया समझा देता हूँ, वो समझ लो। सपोजेडली 20 एकड़ जगह है, 20 एकड़ जगह में से 20 एकड़ जगह में पानी लगता है, तो नेट इरिगेटेड एरिया 20 हेक्टेयर, ठीक है, लेकिन 20 हेक्टेयर एरिया में से 5 हेक्टेयर एरिया ऐसा है जिसमें साल में 2 फसलें होती हैं पानी लगने की वजह से, ठीक है। तो ग्रॉस इरिगेटेड एरिया इस 20 खेतों के बीच पानी लगने की मेरा एक फसल तो हो ही रही है, एक फसल तो हो ही रही है, तो 20 खेत नेट इरिगेटेड हो गए, उन्होंने बीच 5 खेतों के बीच पानी लगने की मेरा एक तो बाद एक और फसल हो रही है, 2 फसल, यानी कि 5 खेत वध वाला काम आप करने वही फसल आप और 5 खेतों जो होनी सी ना वो आप उसे खेतों जो कटने, यानी कि 25 हेक्टेयर जो ग्रॉस इरीगेटेड तो 20 जो नैट वा40 हेक्टेयर ग्रॉस इरीगेटेड एरिया एंड 20 हेक्टेयर नैट इरीगेटेड एरिया। बस वो साड़ा लास्ट टारगेट है कि 20 हेक्टेयर नैट इरीगेटेड 60 हेक्टेयर ग्रॉस इरीगेटेड से बदलना, साल के 3 फसल कटो 4-4 महीने दिया, जब
दो काट लो 5-5 महीने दी, एक काट लो 2 महीने, इदा करके ठीक है, या एक तो दो काट लो 3.5-3 महीने दी, इदा करके। नेट इरीगेटेड एरिया बढ़िया, ग्रॉस इरीगेटेड भी एरिया भी बढ़िया। हुण इहदे च एक चीज़ समझण वाली है, जो हमारे देश में टोटल क्रॉप एरिया है, टोटल क्रॉप एरिया ने बताया 195 हेक्टेयर है, वो टोटल क्रॉप एरिया का सिर्फ 46.9% ही इरीगेटेड है। जो मैं हमेशा आपको बताता रहता हूँ कि हमारा ऑलमोस्ट सिर्फ 40-45% ही इरीगेटेड एरिया है, और जो 65% तक जो है वो रेनफेड एग्रीकल्चर है, ठीक है। तो अभी कितना पोटेंशियल बाकी है, देखो अगर हम रेस्ट ऑफ द 60% में भी इरीगेशन करा दें तो देश कहाँ का कहाँ चला जाएगा, है ना। तो अभी बहुत ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट की, इसे ये पता लग रहा है कि ये हमारे लिए एक चैलेंज तो है, लेकिन हम इसे अपॉर्चुनिटी में भी तो बदल सकते हैं। हमें लैंड बढ़ाने की भी जरूरत नहीं, हमें कुछ करने की भी जरूरत नहीं, लेकिन अगर हम प्रॉपर इरीगेशन प्रैक्टिसेस कर दें तो अभी भी दुख की बात तब होती कि 80-90% एरिया इरीगेटेड होता फिर भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इतनी होती, तो हम दुख से रो रहे होते कि पॉपुलेशन बढ़नी है कोई रोक नहीं सकता, लेकिन इरीगेशन तो 90% एरिया पे कर चुके हैं, उसके बाद 260 मिलियन टन प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन रेस करने का कोई तरीका कहाँ से है। तो अभी भी है, अभी हमने सिर्फ 40% खेतों में सिंचाई पहुंचाई है, वो भी उसमें से भी कुछ ही खेत है जिसमें दोहरी तिहरी बार सिंचाई होती है, तो भी हमारे देश में 260 मिलियन टन फसल होती है एक्सेस की हम विदेशों को भेजते हैं। तो अभी हमारे पास 60% और मौका है, यानी कि 60 साल देश को आजाद हुए हुए हैं, 60-65 साल, उतने में हमने 40% रेस करके इतना बफर स्टॉक इकट्ठा किया है। तो अगले 100-150 साल तक भी अगर हमारे पास अभी स्कोप है कि हम इरीगेशन को बढ़ा करके ही पैदावार बढ़ा सकते हैं, तो ये एक पॉजिटिव आस्पेक्ट है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो यही है नेट इरीगेटेड, ग्रॉस इरीगेटेड, ये हमारा जो कंसेप्ट, हमारा जो टारगेट है, हमारा टारगेट यही है कि वेरी फर्स्ट स्टेप में पहले नेट इरीगेटेड एरिया बढ़े, यानी कि पहले जिन एरियाज में सिंचाई नहीं है पहले तो उन्हीं एरिया में सिंचाई आए। सेकेंड हमारा टारगेट है कि वो जो नेट इरीगेटेड एरिया है वो जल्द से जल्द ग्रॉस इरीगेटेड एरिया में कन्वर्ट हो, यानी कि हम 1 से 2, 2 से 3 फसलें उगानी शुरू कर दें, और 3 फसलों के अंदर भी हम मल्टीपल क्रॉपिंग कर दें, हम क्या कहते हैं उसको एग्रो एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री करनी शुरू कर दें, हम पेड़ भी लगाएं और साथ साथ फसल भी उगाएं, ऐसा भी कुछ कुछ हम करना शुरू कर दें। एक फसल 5 साल में कटे जैसे वो पेड़ है, और दूसरी फसलें फटाफट कटती जाए, तो कुछ कुछ ऐसा हमें करना होगा, ठीक है। और उसी के कंसेप्ट आप आ रहे हैं धीरे धीरे, आप धीरे धीरे खेती में परिवर्तन देखोगे कि धीरे धीरे पेड़ भी लगने शुरू हो जाएंगे खेतों में, क्योंकि पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। एक कंसेप्ट होता है एल्बिडो, ALBEDO, एल्बिडो। एल्बिडो क्या होता है कि अर्थ से मिलने वाली जो लाइट है उसका कितना परसेंट अर्थ, सन से मिलने वाली लाइट का कितना परसेंट अर्थ रिफ्लेक्ट कर रही है वापस, ठीक है। तो एक बात आपको बताता हूँ मैं, सन से जब हमें लाइट आती है ना, इंसुलेशन आती है, तो वो विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन पहुंच जाती है हमारे तक, लेकिन हमारी अर्थ से जब वो वापस जाती है ना, तो जो ग्रीन हाउस गैसेस उसे ट्रैप कर देती है, यानी कि अर्थ पे पड़ने के बाद 100% लाइट सन से अर्थ पे पड़ी और 70% यहाँ से वापस जा रही है, तो वो ग्रीन हाउस गैसों ने ट्रैप कर ली, तो ग्लोबल वार्मिंग कितनी हो गई। तो पहले ऐसा क्यों नहीं होता, पहले ग्लोबल वार्मिंग क्यों नहीं होती, उसका एक ही तोड़ है कि हमेशा जो मेटालिक मटेरियल होता है, मेटालिक इसको बोलते हैं, पक्का पक्का मटेरियल, कंस्ट्रक्टेड मटेरियल, इसका अल्बिडो बहुत ज़्यादा होता है, ये लाइट को 100% रिफ्लेक्ट मारता है, यानी कि पक्के इलाकों से लाइट सीधी वापस जाती है, और इसके कंपैरिजन में पेड़ लाइट रिफ्लेक्ट नहीं मारते, पेड़ लाइट को ऑब्जर्व करते हैं। तो जितना ज़्यादा पेड़ होगा उतना ज़्यादा एल्बिडो घटेगा, जितना ज़्यादा एल्बिडो घटेगा उतनी हाई लेवल का ग्लोबल वार्मिंग घटेगी। ये फिजिकल ज्योग्राफी के बहुत बड़ा कंसेप्ट है एनवायरनमेंट का, अच्छा अच्छा इतनी जल्दी समझ नहीं आता, इसलिए कहा जाता है कि अर्थ कम से कम लाइट रिफ्लेक्ट करे वापस, जिसको हम लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं, अर्थ कम से कम लाइट रिफ्लेक्ट करे। इसलिए अब एक नया कल्चर आया है टेरेस गार्डनिंग, छत पे गमले रखो, छत अपनी ढक दो बस गमलों से, गमलों की छांव से छत ढक जाए, इतना ही चाहिए तुम्हारे, छत पे जो सनरेज पड़ रही है वो उन गमलों में ही घूम हो जाए, तो वापस एटमोसफेयर में ना जाए। अगर सबकी छतों पे गमले लग गए तो बहुत हाई लेवल, आप कहो ना कि इतने छोटे से गमले से मैं ग्लोबल वार्मिंग कैसे रोकूंगा, ग्लोबल वार्मिंग रोकने का फंडा सिर्फ इतना ही कि हमें अल्बिडो घटाना है। अल्बिडो क्या है, लाइट रिफ्लेक्टेड, और वो लाइट रिफ्लेक्टेड घटाने के लिए आपको बस इतना है कि जो लाइट आप पे पड़ रही है आप उसको संभालो, अपने अंदर खींच लो, जबकि वो इसका बिल्कुल उल्ट रहा है,
वो क्या रहा है कि सारे सड़कें, पक्के मकान, हर जगह पे सारा पक्का पक्का मैटर आ रहा है, पेड़ कट के, तो यहाँ से फिर सब वापस जा रहा है, अल्बिडो हो रहा है काम। आई बात समझ में? तो ये चीज है, वी हैव टू रिड्यूस अल्बिडो। ओके, बाहरों अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाई, बाहर ही लूज, बाहर ही वो हो जाती है डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरी की पूरी देखो कंध तपी होगी बाहरों, पूरी की पूरी बार डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट हो जाती है। ये जड़िया कंधा होंगे ने बेसिकली जो मेन इन्हों का कंसैप्ट की है कि छत वेखे राती कि भखती होंगी है जो पखे की हवा होंगी है, यदि मेन प्रॉब्लम यह है कि बॉन्डेड यहाँ मटीरियल इन्ना बॉन्डेड होंगे वा कि ये देर लगती है पेनीट्रेट कर बारों अंदर आने देर लगती है, पर एक टाइम तो बाद जो पूरी तरह बहरों गर्म हो जाए फिर बहुत लॉन्ग टर्म तक गर्म रहती है, ये देर ना गर्म होंगी है तो देर तक गर्म रहती है। मिट्टी की नेचर झट गर्म होंगी है तो झट ही ठंडी हो जाती है, ये नेचर है मिट्टी मिट्टी के घर की। इस करके मिट्टी के घर की खासियत यह होंगी ना कि छत मिट्टी की नहीं होंगी, छत पुरानी नहीं होंगी, छत दूजी होंगी है, समझ आएगा तो जिनी छेती गर्म होंगी कंधा उन्नी छेती जो हवा फिरती है अंदरों सिस्टम ठंडा भी उन्नी छेती हो जाता, इस करके वो घर जो रात को बहुत छेती ठंडे भी हो जाते हैं, शाम को मतलब हवा उन्हें नॉर्मल हो जाता है, रिगार्ड नॉर्मल हो जाता है, इस करके उन्होंने जमा के रखे जाते हैं।